दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा निर्णय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा था कि मैंने पेडागोजी में इसके पहले वाले वीडियो में आपको आगमन विधि से संबंधित सारी जानकारियां दिया। आगमन विधि और आगमन विधि के बारे में मैंने बताया, एग्जाम्पल दिया और एग्जाम्पल देकर आपको मैंने बताया कि किस तरीके से आप उदाहरण प्रस्तुतीकरण करेंगे। मैंने यहाँ तक बता दिया था उदाहरण प्रस्तुतीकरण नंबर दो निरीक्षण और सामान्यीकरण सामान्यीकरण और उसके बाद मैंने बताया था सामान्यीकरण के बाद परीक्षण और सत्यापन। यहाँ तक मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख के आपको समझा दिया था। समझाने के बाद मैंने बताया था आपको कि भैया देखिए उदाहरण लिखा, उदाहरण लिख के बाद उसके बाद मैंने हल किया, जहाँ पर उत्तर आया वो आपका उदाहरण प्रस्तुतीकरण था। फिर मैंने कहा कि बच्चे जब आप उसका निरीक्षण किए तो निरीक्षण करने पर आपको मिला कि अगर समय से गुणा कर दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। और तब आपने निरीक्षण करने पर यह प्राप्त किया, और जब आपने क्या किया, मूलधन में दर से और समय से गुणा कर दिया तो आपको सूत्र बन गया, तो जिसे कहा जाता है सामान्यीकरण या सूत्रीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो अब उसके बाद इसका टेस्टिंग और परीक्षण होना था। तो आप जब आप पढ़े थे तो आपने देखा कि उसका परीक्षण करना था, तो आपने देखा था यहाँ पर इसका सबसे पहले जब टेस्टिंग और परीक्षण करेंगे तो इसमें गुण आएगा। तो गुण में आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आपने क्या किया था, यहाँ पर प्रोसेस को यहाँ से यहाँ तक हल किया था, बड़ी प्रोसेस में हल किया था। जब बड़ी प्रोसेस में हल किया था तो अध्यापक को इस शिक्षण कराते समय इस विधि से क्या होता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भैया, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन ये तो अवगुण की बात हुई जब बड़ा में लगाया, लेकिन जानते हैं क्या होता, बड़ा जब हुआ था तो बच्चे का लेकिन इससे क्या हो गया था, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो नंबर एक लिखिए, इस विधि से विद्यार्थियों का कॉन्सेप्ट अवधारणा स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, और दूसरा गुण में मैंने कहा था कि इस विधि से अवधारणा स्पष्ट हो जाता है, और उसके बाद जब अवधारणा स्पष्ट हो गया तो बच्चे का क्या होता है, मानसिक विकास होता है, मानसिक और तार्किक विकास होता है। इस विधि से विद्यार्थियों का मानसिक विकास होता है। नंबर तीसरा, इस विधि से विद्यार्थियों का मानसिक विकास होता है। छोटी कक्षाओं के लिए यह विधि बहुत उपयोगी होती है। नंबर चार, बच्चे का जब अवधारणा स्पष्ट हो जाता है तो विद्यार्थी क्या है, कभी इस विधि को जानने के बाद जो भी नियम जान गया उसको क्या होता है, भूलता नहीं, अर्थात इस विधि से पढ़ाया गया ज्ञान अस्थाई होता है। इस विधि से
पढ़ाया गया ज्ञान अस्थाई होता है। ठीक है, ये आपने गुण देखा, अब आप इसके क्या देखेंगे, दोष देखेंगे। ये आप इसी को कहा जाता है परीक्षण और सत्यापन। दोष देखिए, इस विधि से जब अध्यापक शिक्षण कराता है तो शिक्षण कराते समय उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यह सबसे बड़ा इसका क्या है, अवगुण है। इस विधि से जब अध्यापक शिक्षण कराता है तो अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है, नंबर एक। अब देखिए, इस विधि से पढ़ाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है और यह बड़ी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी होती है। यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी होती है क्योंकि बड़ी कक्षाओं का पाठ्यक्रम बड़ा होता है। बड़ी कक्षाओं का पाठ्यक्रम क्या होता है, बड़ा होता है, जिससे इस विधि से निर्धारित समय में कोर्स या सिलेबस पूर्ण नहीं कराया जा सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा, इसका क्या मिला दोस्तों, दोष मिला। अब इसके बाद आपने देखा कि आगमन विधि का गुण और दोष। अब हम आपको पढ़ाते हैं डिडक्टिव मेथड निगमन विधि। निगमन विधि, जिसे इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड कहा जाता है, ध्यान दीजिए, डिडक्टिव मेथड निगमन विधि की क्रिया विधि क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह ठीक आगमन विधि का उल्टा होता है। तो आगमन विधि में आपने देखा था कि
आप क्या किए थे, पहले उदाहरण दिए थे, उदाहरण से नियम की ओर। लेकिन इसमें क्या होगा, नियम से उदाहरण की ओर। उसके बाद आपने देखा था विशेष से सामान्य की ओर गए थे, और यहां पर सामान्य से विशेष की ओर आपने देखा था। वहां पर आप स्थूल से सूक्ष्म की ओर गए थे, लेकिन इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलते हैं। आपने देखा कि आगमन विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर, लेकिन इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर। जैसे इस विधि से आपको अगर शिक्षण कराना है, तो जैसे आप कोई भी टॉपिक उठाएंगे और उठाने के बाद आप क्या करेंगे, पहले उसका सूत्र लिखा देंगे। सूत्र लिखाने के बाद बच्चे को क्या करेंगे, हल करा देंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए आपको पढ़ाना है साधारण ब्याज पढ़ाना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज का सबसे पहले सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा 100। या आपको मेंसुरेशन पढ़ाना है, कुछ भी आपको पढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जैसे लिख दिया जाएगा कि 1000 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ आपको सब मालूम ही है, सूत्र मालूम है, अध्यापक द्वारा आपको डायरेक्ट बता दिया गया है। तो आप क्या करोगे, मूलधन की जगह 1000, दर आपका 5, समय कितना दिया गया है, समय आपका दिया गया है कितना वर्ष, 3 वर्ष, बटे में 100। आपने देखा 5 दिया है, 15 दहमा 150 रुपये आपको डायरेक्ट मिल गया। तो आपको देखना है यहाँ पे कि आपको अध्यापक शिक्षण कराते समय सूत्र आपको बता देगा, और सूत्र आपको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो एक बात बताइए कि जब सूत्र रटना पड़ेगा आपको, तो यह क्या होगा कि सूत्र रटने के लिए, सूत्र रटने पर आप कुछ समय के बाद क्या है, भूल सकते हैं, क्योंकि रटी हुई चीज़ बहुत समय तक नहीं रहती है, और इसी कारण, रटने के कारण इसे स्मृति पर आधारित विधि भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मृति पर आधारित कौन सी विधि होती है, तो आप बताते हैं कि स्मृति पर आधारित निगमन विधि होती है। तो आपको ध्यान रखना, या आपको मान लीजिए मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं, जैसे घनाभ पढ़ा रहे हैं, तो टीचर क्या करेगा, शिक्षण कराते समय घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई का सूत्र बता दिया। और यदि उसे घनाभ का सवाल जैसे दिया गया है कि किसी घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आप देखिए सूत्र आपको टीचर बता दिया कि घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, माने लंबाई का चौड़ाई गुणित ऊंचाई, गुणा कर दीजिए, 10 × 50 = 100 घन सेंटीमीटर आपको प्राप्त हो गया। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको सूत्र दे दिया गया है प्रत्यक्ष रूप से, मतलब आपको टीचर क्या करेगा, बता देगा, आप उसको रटेंगे, और रटने में अभी आपको क्या मिलेगा, दोष मिलेगा। ठीक है,
और यह क्या है, बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि बड़ी कक्षाओं का जो पाठ्यक्रम होता है वो बड़ा होता है, और जब बड़ी कक्षाओं का पाठ्यक्रम बड़ा होता है तो उसको निर्धारित समय पे ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस विधि का सहारा लेना पड़ेगा, और जिससे क्या होगा, कोर्स आपका निर्धारित समय पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं यह विधि बहुत उपयोगी होती है, जैसे यहाँ पर दे दिया जाए आपको कितना, 325 × 325 × 325 प्लस 75 × 75 × 75 बटे 325 × 325 प्लस 75 × 75 माइनस 325 × 75 दे दिया गया है। ठीक है, अब यह किसका सूत्र है दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ पर a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, टीचर द्वारा आपको अगर बता दिया गया है, अध्यापक द्वारा, कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ हम क्या करेंगे, दो ही संख्या है, एक 325 और एक 75, हम 325 बराबर a मान लेंगे और 75 बराबर क्या मान लेंगे दोस्तों, b। तो आपने देखा 325 का दो बार गुणा किया है तो a क्यूब, और प्लस b का तीन बार गुणा किया है b क्यूब, बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये a दो बार है a स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस a और b। आपको जब टीचर अध्यापक बता दिया गया है, बता दिया है आपको कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, केवल बचा क्या, a प्लस बी बचा। जब a प्लस बी बचा आपका, तो दोस्तों क्या करना, a बराबर 325 और b बराबर 75, तो आप क्या करेंगे, 325 में 75 जोड़ देंगे, आपका कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब दोस्तों एक बात बताइए कि अगर हम इसका गुणा करते और गुणा करने के बाद इसको भी गुणा करते और उसके बाद जोड़ते और जोड़ने के बाद नीचे वाले का भी गुणा करते और इसको भी गुणा करते, इसको भी गुणा करते और गुणा करने के बाद जोड़ते घटाते, तो समय कितना लगता, बहुत अधिक समय लग जाता, इसलिए यह निर्धारित समय पर सवाल नहीं हो सकता है। अच्छा एक चीज़ बताएं, अगर इतना समय आप में आप सवाल हल करेंगे तो जो आपका कोर्स कंप्लीट करना है आप कब कंप्लीट करेंगे, इसलिए कहीं कहीं यह विधि क्या है, बहुत उपयोगी साबित होती है, खासकर बड़ी कक्षाओं के लिए तो यह बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इसके हम अब देखिए इसके गुण की और इसके दोष की बात कर लेते हैं, क्योंकि जिसमें गुण होता है उसी में क्या होता है, दोष भी होता है। तो एक चीज़ बताइए, गुण दोष बताने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं इसके गुण को और इसके दोष को। तो दोस्तों आज इतना ही, शेष नेक्स्ट डे।